My name is Bhargav Mahesh Deshpande. I am ninth. My question is, sir, do you think the harsh relation between India and China will affect the all important relation between the two countries, or the relation will break down, or it is vulnerable? Thank you. पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन इजी. एंड इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि हमारे बीच में कुछ अग्रीमेंट्स थी, सालों से थी, और ये लिखित माने ये कोई ऐसा कोई समझौता जो था माने कोई इनफॉर्मल नहीं था, बहुत स्पष्ट था. और ये था कि हमें अगर अपने बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विल, एक तो जब तक पड़ोसी हो आपस में, जब तक सीमा में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो तो जो रिश्ते जो हैं आगे बढ़ने की संभावना नहीं है. तो ये उनको भी पता था, हमें भी पता था. इसीलिए, और अगर आप देखें, जब से हमारी रिश्ते जो हैं नॉर्मलाइज हुए हैं, 62 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 14 साल लगे हमें एक एम्बेसडर वापस भेजने में, उसके बाद 26 साल लगे 62 के बाद पहला प्रधानमंत्री गया, राजीव गांधी जी गए, चीन गए, और 93 में और 96 में दो अग्रीमेंट्स हुई थी, उसके बाद भी हुई थी 2005, 2006, 2012, 2013. और इसका जो निचोड़ ये था कि दोनों साइड जो हैं वो जो लाइन जो बनी है, क्योंकि हमारी सीमा जो है वो म्यूचुअली अग्रीड नहीं है, कि दोनों साइड जो है वो फौज कोई संख्या में फौज नहीं लाएंगे वहां, और अगर कोई मूवमेंट भी होगी इस संख्या से ज्यादा वो दूसरे साइड को बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी. अब 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया, और अग्रीमेंट होने के बावजूद वो बड़ी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपने मिलिट्री फोर्सेस लाए, और उसके बाद आप जानते हैं कि वो गलवान में वो घटना हुई, और अभी भी हमारी भी फौज वहां. और ये मोदी जी ने कोविड के समय में, जब आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस समय देश में, तो लॉकडाउन के स्थिति में तब भी हमने मिलिट्री मूवमेंट की, बहुत माने बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट की, और तब से हमारी फोर्सेस भी हैं वहां, उनकी फोर्सेस भी हैं, आमने सामने हैं वहां. तो हम तो चाहते हैं, ये तो हमने तो किया नहीं है, पर अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा. तो हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा, तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे, वो असंभव है. तो ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहां बिजनेस करो, ये माने इसको आप ऐसा लाइन नहीं कर सकते. तो आगे देखना होगा. अब डिप्लोमेसी जारी है, तो कभी कभी जो ऐसी मुश्किल स्थिति जो है वो एक जल्दीबाजी में इसका उपाय नहीं निकलता, तो हम लगे हुए हैं.